जहां देश में कई लोगों ने होली के पर्व को पूरे जश्न के साथ मनाया था, वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस त्योहार के समय ईडी की कस्टडी में बंद थे। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है अरेस्ट होने के बावजूद, जहां उन्होंने ठाना है कि वे अरेस्ट होने के बाद भी रेजिग्नेशन नहीं देंगे और अब तक दो ऑर्डर्स वाटर मिनिस्टर आतिशी और हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज को पास कर चुके हैं। वहीं बीजेपी ने उनके रेजिग्नेशन के साथ साथ एक कंप्लेंट एलजीवीके सक्सेना को भी दे दिया है कि केजरीवाल के इन ऑर्डर्स पर एक रोक लगाई जाए, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए ये ऑर्डर्स फैब्रिकेटेड है। बीजेपी का ये दावा इसलिए भी है क्योंकि ईडी की गिरफ्त में पेपर पेन या कंप्यूटर का एक्सेस केजरीवाल को नहीं है। फिर कैसे भी ये ऑर्डर्स अपने मिनिस्टर्स को पास कर रहे हैं, तो जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी में काफी हीटेड डिबेट्स देखने को मिल ही रहे हैं, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एएसजी एसवी राजू के बीच काफी आर्गुमेंट्स भी हुए, जब जज अरविंद केजरीवाल द्वारा उस प्ली की सुनवाई कर रही थी जिसमे की उन्होंने अपने अरेस्ट और ईडी को दिए गए कस्टडी को चैलेंज किया है। आपको बता दें कि कोर्ट में इस हियरिंग की वजह से आम आदमी पार्टी लीगल सेल ने अपने सारे लॉयर्स को दिल्ली के हर कोर्ट में प्रोटेस्ट करने को कहा था। हालांकि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच, जिसमें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन मौजूद थे, ने लॉयर्स को वार्न करते हुए कह दिया कि वे उन सबके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन उठाएंगे जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल होगा। सिर्फ यही नहीं, एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस प्रीतम सिंह अरोरा सोचने पर भी मजबूर हो गए कि भला पॉलिटिकल मुद्दों की वजह से कोर्ट में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। एक और जहां ये सब हुआ, वहीं जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच के सामने ईडी की ओर से मौजूद होकर एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट से कुछ समय की मांग की ताकि वे अरविंद केजरीवाल के प्ली के खिलाफ एक डिटेल रिप्लाई फाइल कर सके। आपको बता दें कि एएसजी एसवी राजू केजरीवाल की टीम से काफी गुस्सा भी थे, क्योंकि उन्हें इस पिटीशन की कॉपी लेट सबमिट की थी, जिसके बारे में कहते हुए राजू ने स्टेट किया, A copy of the petition should have been provided earlier. We received it at the last minute, just yesterday. We intend to submit a response highlighting various issues. हालांकि ये बात सुनकर केजरीवाल की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी भड़क गए और ईडी को फटकारते हुए कहा कि ये उनकी चाल है इस मामले को डिले करने के लिए, और जज से रिक्वेस्ट किया कि वे ये मामला आज ही खत्म कर दे। सिंघवी स्टेटेड, देयर इज अ वीटी मैटर दैट चैलेंजेस द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। आई एम आस्किंग यू टू गिव मी अ फ्यू मिनट्स टू मेक माई 7-8 पॉइंट्स ऑफ अरेस्ट। आई एम चैलेंजिंग द फंडामेंटल रूट ऑफ द अरेस्ट एंड रिमांड। सिंघवी ने ये भी कहा कि केजरीवाल ईडी की रिमांड को भी चैलेंज कर रहे हैं, जो कि 28 मार्च को खत्म हो जाएगी, और ऐसे में कैसे कोर्ट इस मामले को बाद के लिए डिले कर सकती है। इस पॉइंट पर सिंघवी ने ये भी कह दिया कि ईडी को एक रिप्लाई फाइल करने की नीड नहीं है, जिस पे एएसजी एसवी राजू भड़क गए और सिंघवी से सवाल करते हुए पूछ लिया, हाउ कैन यू असर्ट दैट देयर इज नो नीड टू फाइल अ रिप्लाई। इस पॉइंट पर जस्टिस स्वर्णकांत ने भी सिंघवी को कहा, आई नीड अ रिप्लाई, आई विल इशू नोटिस इन द मेन पिटीशन, लेट देम फाइल अ रिप्लाई, फॉर इंटरिम आई कैन गिव अ वेरी शॉर्ट डेट, आई थिंक वी शुड डू दिस। हालांकि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने वापस से बेंच को समझाते हुए कहा, देयर इज नो नीड फॉर रिप्लाई फ्रॉम एनीवन, इन एनी केस इट रिक्वायर्स अ हियरिंग आफ्टर विच इट्स योर लॉर्डशिप प्रेरोगेटिव to decide. I am asking for a challenge to the fundamental root of the remand itself. What reply can be filed to the remand except for delaying tactics? ये सब सुनने के बाद जज ने इस मामले को कुछ देर बाद वापस से उठाने का सोचा और तब तक के लिए डिले कर दिया। एक घंटे के ब्रेक के बाद जब ये मामला वापस से उठा तो सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ईडी को फटकारने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कहा कि इलेक्शंस के इतने पास आकर यूनियन द्वारा एक सिटिंग सीएम का अरेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर के फाउंडेशन से खिलवाड़ करता है, और वो भी तब जब देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। सिंघवी स्टेटेड, इफ यू डू एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स द लेवल प्लेइंग फील्ड देन यू आर इंपिंगिंग ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर। सिर्फ यही नहीं, सिंघवी ने एक बार फिर से ईडी द्वारा एक्स्ट्रा टाइम मांगने की बात को फटकारा है, ये क्लेम करते हुए कि वे सिर्फ डिले करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि केजरीवाल जेल में बंद रहे, एंड स्टेटेड, हियरिंग इज वन थिंग एंड टेकिंग टाइम फॉर अ रिप्लाई व्हेन मैटर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ इज अ डेलिबरेट डिलेइंग टैक्टिक। रिप्लाई कांट बी डिफरेंट फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड रिमांड ऑर्डर। सिंघवी ने आगे कहा कि भले ईडी ने केजरीवाल को इतने समन्स भेजे हैं, पर इसके बावजूद भी उन्होंने पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत केजरीवाल के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं किया है, एंड स्टेटेड, पावर टू अरेस्ट इज नॉट इक्वल टू द नेसेसिटी टू अरेस्ट नॉट द ऑब्लिगेशन टू अरेस्ट। सिंघवी ने इस पॉइंट पर ईडी से सवाल करते हुए भी पूछ लिया, व्हाट वाज द नेसेसिटी टू अरेस्ट, नॉन कोऑपरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट अब्यूज्ड फ्रेजेस सिंस द ईडी बिकम एक्टिव। आपको बता दें कि कई लोगों के मन में ये सवाल तो पैदा हुआ ही है कि भला इलेक्शंस के जस्ट पहले केजरीवाल को अरेस्ट क्यों किया गया है, इसके बावजूद कि उन्होंने हर समन्स का रिप्लाई दिया है। इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट में पूछा भी, व्हाट इज इट दैट नीड्स हिज अरेस्ट व्हिच यू कैन नॉट डू विदाउट अरेस्ट, यू जस्ट कांट से दैट आई हैव द पावर टू अरेस्ट, देयर शुड बी अ नेसेसिटी टू अरेस्ट। अभिषेक मनु सिंघवी ने वापस से वही पॉइंट उठाया है जो उन्होंने दिल्ली रूस एवेन्यू कोर्ट में जस्टिस कावेरी बवेजा के सामने उठाया था कि एक अप्रूवर के स्टेटमेंट का विश्वास नहीं किया जा सकता है। ही स्टेटेड, ईडी इज करेंटली एट द नॉन ट्रायल प्रिलिमिनरी इंटरमीडिएट स्टेज,
and that there was no necessity to arrest the CM based only on alleged material. A statement from an approver cannot form the basis of an arrest. इस पॉइंट पर हालांकि एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट से 3 हफ्तों का टाइम मांग कर लोगों को शॉक कर दिया. आपको बता दें कि सिंघवी इस बात से और नाराज हो गए थे और कहा कि ईडी बस इस मामले को डिले करने की कोशिश कर रही है और वो चाहते हैं दैट द सीएम रॉट्स इन जेल. हालांकि इतने देर से सिंघवी की बात सुनकर ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू ने उनका पलट जवाब देते हुए कहा कि केजरीवाल की लीगल काउंसिल ने इस मामले में डिले किया है और न कि ईडी ने. वे चाहते तो ईडी को पिटीशन की कॉपी पहले ही सबमिट कर सकते थे पर उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया. एंड स्टेटेड द राइट टू बी हर्ड ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू फाइल अ रिप्लाई. इट वॉज अ डेलिबरेट डिले ऑन देयर पार्ट केजरीवाल्स काउंसिल टू सी दैट द कॉपी वॉज गिवन टू मी एट द लास्ट मिनट. लुक एट द टाइप ऑफ ऑब्जेक्शंस, दे आर एब्सोल्युटली यूजलेस. सिर्फ यही नहीं, एएसजी एसवी राजू ने सिंघवी को उल्टा फटकारते हुए कहा, दे केजरीवाल्स काउंसिल डेलिबरेटली डिड नॉट गिव अस द कॉपीज. दे आर टॉकिंग अबाउट अ लेवल प्लेइंग फील्ड बट दे डिड नॉट गिव अस कॉपीज डिस्पाइट आवर रिक्वेस्ट. इट वॉज देयर ड्यूटी टू गिव कॉपीज टू अस. व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस देयर इज अ डबल स्टैंडर्ड. इफ दे वांटेड अ फेयर हियरिंग टुडे सो दैट वी कम प्रिपेयर्ड, दे कुड हैव सेंट अस द कॉपी ऑन सैटरडे ओनली. वी हैड रिटन देम एन ईमेल ऑन संडे मंडे. सिर्फ यही नहीं, राजू ने कह दिया कि उन्हें अगर रिप्लाई फाइल करने का समय नहीं दिया जाएगा तो उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, जिसके साथ ही उन्होंने बेंच को बोला कि वे आगे कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं. केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट शदान फरासत भी कोर्ट में मौजूद थे, जिन्होंने एसजी एसवी राजू के इन सबमिशंस को खारिज किया था कि केजरीवाल के काउंसिल की ओर से डिले हुआ है. जी हां, आपने सही सुना, शदान फरासत ने कोर्ट को समझाते हुए कहा, द पिटिशनर कैन नॉट डिसरिगार्ड द डिले एज दे वर ड्यूली सर्वड एंड हैड एडिक्वेट टाइम टू रिस्पॉन्ड. दीज फैक्ट्स आर डॉक्यूमेंटेड. द डिले सिग्निफिकेंटली हार्म्स आवर केस. हालांकि एएसजी एसवी राजू ने इन सबमिशंस को खूब फटकारा था और पलट जवाब देते हुए कहा, नथिंग प्रिवेंटेड देम फ्रॉम गिविंग अस द कॉपी सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शंस. दे डिडंट गिव अस कॉपीज डेलिबरेटली एंड दे वांट अ लेवल प्लेइंग फील्ड. यू फाइल इट एंड से दैट इट्स इन डिफेक्ट. व्हाट डिफेक्ट? यूजलेस डिफेक्ट. हालांकि शदान फरासत ने वापस से कोर्ट को समझाते हुए कहा, दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबमिशन. आपको बता दें कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस पॉइंट पर सोच में पड़ गई कि आगे क्या करना चाहिए. हियरिंग की शुरुआत में भी उन्होंने कहा था कि I will issue notice in the main petition. Let them file a reply. For interim, I can give a very short date. और इसी बात को उन्होंने वापस से दोहराया था. हालांकि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि केजरीवाल की ओर से मौजूद थे, इस रिक्वेस्ट पर उतर आए थे कि जज आज या कल में एक ऑर्डर पास करे, क्योंकि ईडी की रिमांड कल खत्म हो जाएगी और इसको भी केजरीवाल ने चैलेंज किया हुआ है. और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस कांत शर्मा ने कहा कि वो बिना जजमेंट रिजर्व किए ऑर्डर पास करेंगी. जी हाँ, आपने सही सुना, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा स्टेटेड, सिंस आई हैव नॉट हर्ड द अदर साइड आई एम नॉट रिजर्विंग जजमेंट. आई विल पास ऑर्डर्स अराउंड 4:30-4:45 PM. आई विल अपलोड द ऑर्डर. तो अब देखते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा किसके फेवर में फैसला सुनाती है, इसके बावजूद कि उन्होंने इस मामले में एक पार्टी की दलीलें नहीं सुनी है. इस ऑर्डर से जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा.